हाँ जी, आपां ज्वाला जी तो चल के ऊना ते ऊनी तो चल के आपां पहुंचे हैं नंगल नंगल बिभोर साहब गुरुद्वारा साहब दे विच। आओ जी, तुहानू कराने आ दर्शन मेले। लो जी, सतलुज दे कंडे ते वसिया होया यह स्थान है जी, गुरुद्वारा बिभोर साहब। ते संगतां दर्शन करने वास्ते आउंदियां होईयां। सतलुज दे कंडे ते वसिया होया यह स्थान है जी। इस गुरु घर दे जे आपां इतिहास की गल करिए तां इत्थे धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने चौपाई साहिब बाणी का उच्चारण किया सी। यह है जी सरां मेन गेट, लंगर हाल, दीवान हाल ते दरबार साहिब। यह है जी दवान लंगर हाल। यह गुरु घर दे बाहर दा जेड़ा एक पासे सरां ते इधर आ गए दीवान हाल, इधर गुरु घर दा लंगर हाल। यह है जी नंगल डैम, नंगल डैम दियां कुछ तस्वीरां। इत्थे है नंगल तो चल के आपां इधर नूं जा रहे हां आनंदपुर साहिब। लो जी, नंगल तो हुंदे होए आपां जा रहे हां आनंदपुर साहिब। ते ये जिहड़ियां नहरां ने इन्हां दा बहुत सोहना झाका इक इत्थों। सजिया हुई दुकाना ते सजे हुए बाजार। लो जी, सजिया हुई दुकाना श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर। आ चढ़ाई चढ़ के ना थकावट सारी उतर जाती है ते फिर जाना मैंने इधर। लोग इत आनंदपुर साहब देखने वास्ते आते हैं इनू। लो जी, ये आनंदपुर साहब की पार्क। ते अपने कोल इन्ना टाइम है नहीं सी ते आपां जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं भी कीरतपुर साहब तक पहुँचा जाए। इस करके आपां जाते जाते तुहानूं इत्थों एक छोटा जिहा झाका मरा दिंदे हां।